और जैसे कि आप कह लीजिए एनी अकाउंटेंट माइट बी स्कैंडर्ड फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो बात हम कहनी चाह रहे हैं ये है कि स्कैंडर्ड टू टीम टू वर्क वेयर एज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अपॉइंट किया गया है। कहने का मतलब ये किया गया कि जो काम वो कर रहा है उस काम से उसे निकाला, जो काम वो कर रहा है उस काम से उसे निकाला और उसको किसी दूसरे काम पर सपोर्टिव रोल में या किसी वर्क के लिए भेज दिया, किसी दूसरी टीम का हिस्सा बना दिया। अच्छा, सेकेंडेड का वर्ड भी इसलिए यूज किया जा रहा है कि जो उसका मेन रोल है वो कुछ और था, लेकिन आपने उसे क्या दिया है, सेकेंडेड रोल दे दिया या सेकेंडमेंट दे दिया, जिसका मतलब यह है कि ये तो तुम करती हो, अब जरा ये करके दिखाओ। तो इस तरह आपको एक नई स्किल आ गई। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट टीम में, आप अकाउंटेंट है, अकाउंट्स बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं पूरी कंपनी का, लेकिन एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ कॉस्ट इश्यूज है, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आपसे कहा गया ठीक है तुम्हारा काम तुम्हारा बड़ा अच्छा है लेकिन इस टीम के साथ जरा तुम काम करो, क्या पार्ट टाइम हो सकता है या कुछ दिन के लिए अपनी जॉब से रिलीफ करके उधर भेज दिया कि आप ये काम करेंगे। तो ऐसी सूरत में जैसे न्यू कंप्यूटर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपसे मदद ले दी गई, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा और समटाइम पता ही चलेगा कि जो काम आप कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट आपका इस काम में है जो नया काम आपको दिया गया। इस तरह कम अज कम आपको एक नया रोल मिल गया, कम अज कम आपको एक नया काम मिल गया और आपको भी एक नया इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट हो गया, एक नया इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि आप एक्चुअल अपना काम कर रहे हैं एग्री, बट वहां से निकाल के किसी दूसरी टीम का हिस्सा बना दिया। देखिए जैसे जब होंडा टोयोटा या सुजुकी एक नई गाड़ी डिजाइन करते हैं तो वो टीम कैसे बनाते हैं जो नई गाड़ी डिजाइन कर रही है, वो यकीनी तौर पर लोगों को अपने रोल से उठाते हैं और उठाकर एक टीम का हिस्सा बना देते हैं, जो क्रिएटिविटी का काम है, जो नए डिजाइन का काम है, तो यकीनी तौर पर प्रोडक्शन मैनेजर भी बैठता होगा, वो इंजीनियर होगा, इसी तरह कोई अकाउंटेंट भी बैठता होगा जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखता होगा, इसी तरह कोई एरोडायनामिक इंजीनियर भी होगा, वो भी आता होगा। तो अपने अपने रोल से उठाकर उन्हें उस रोल में ले आ जाता है। तो जैसे आमतौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी वक्त कोई भी टीम बनाने के लिए मुख्तलिफ जगह से लोगों को उठा लेता है, तो उनका सेकेंडरी रोल हो गया ना। क्लियर जी, मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा, अब आ जाते हैं हम किसे डिप्यूटाइजिंग फॉर अ मैनेजर आर सुपरवाइजर। तो ये सिंपली बात ये है कि आपका मैनेजर किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, आपका मैनेजर सिक है, किसी वजह से छुट्टी पे गया है और आपको टेम्परेरी प्रमोशन दे दी गई है। क्या कह सकते हैं इसको? टेम्परेरी प्रमोशन दे दी गई है और आप टेम्परेरी तौर पे उसकी सीट पे काम करेंगे, वापस आ जाएंगे अपनी सीट पे, लेकिन वक्ती तौर पे जब आप उसकी सीट पे काम करने जाएंगे तो उसके सारे वर्क रोल को आप समझना शुरू कर देंगे और ये आपके लिए बड़ा अच्छा डेवलपमेंट का मौका होगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि डिप्यूटाइज फॉर हिज और हर बॉस व्हेन द बॉस इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क, जब वो काम पे नहीं है, तो आपका लर्निंग का बड़ा अच्छा मौका बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई किस चीज की, जॉब एनरिचमेंट की। जॉब एनरिचमेंट क्या होती है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब, जैसा कि इसके नाम से आपको कुछ जाहिर हो रहा होगा कि जॉब को अमीर बनाना, जॉब को थोड़ा स्टेटस बढ़ाना या जॉब की कदर में इजाफा करना। अब जॉब की कदर में जो इजाफा है इसे वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब कहते हैं, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब इसे हम कहते हैं। अब जो वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब का मतलब यह है कि जो सीनियर जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी नीचे वाली जॉब में डाल दी जाए, जो सीनियर जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उठा के आपकी नीचे वाली जॉब में डाल दिए। जैसे ऊपर वाली जॉब में डिसीजन मेकिंग हो रही थी, अब क्या होने लगा जरा देखिए, होने लगा गिविंग द जॉब होल्डर डिसीजन मेकिंग ऑफ अ हायर ऑर्डर, यानी हायर ऑर्डर का जो फैसला साजी की कुव्वत थी वो आपको दे दी, ये फैसले आप तुम किया करो। तो डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी लर्निंग है, इंसान अच्छे फैसले करके बहुत कुछ सीखता है लेकिन अगर फैसलों में गलतियां करते हैं तो उससे भी वो बहुत कुछ सीख लेता है, तो लिहाजा ये उसको इख्तियार दे दिया गया। इख्तियार मिलते ही जॉब में एक मजा आने लगता है कि अब ये मेरी मर्जी, मैं इसको किस तरह से मैनेज
करूंगा या आपके अंदर एक एतमाद आ जाएगा कि मैं अपने स्टाइल से इस काम को मैनेज कर सकता हूँ। तो एक तो ये आ गया। दूसरी बात ये कि जब भी कोई जॉब या काम होता है उसके अंदर आपको एक ग्रेटर फ्रीडम दे दिया जाता है। क्या? कि इट्स योर चॉइस कि आप पहले चीजों को पेंट करके असेंबलिंग करना चाहते हो या असेंबलिंग करके पेंट करना चाहते हो। वी नीड द बेस्ट रिजल्ट। तो आप सोचते हैं कि यार ये भी मेरे जिम्मे है, मेरी मर्जी है, मैं तरतीब क्या काम की रखूंगा। तो जब काम की तरतीब भी आपके जिम्मे लगा दी गई तो फिर आपको काम करने में और मजा आएगा। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, तो अब देखिए कि एक तो आपके पास सीनियर काम जो जॉब थी उसकी अथॉरिटी आपको मिल गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ क्या हुआ बच्चों? आपको इख्तियार दिया गया कि आप काम का स्टाइल या तरतीब भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तीसरा काम ये किया गया कि जाहिर है ऊपर प्लानिंग हो रही होगी, और अब क्या किया जा रहा है, अब उस प्लानिंग में, प्लानिंग डिसीजन के अंदर आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप क्या करें, पार्टिसिपेट, यानी आपकी राय से अब प्लानिंग होनी शुरू होगी। तो आपकी जॉब फैसला साजी का इख्तियार मिलने से, डिसीजन मेकिंग का इख्तियार मिलने से क्या होगी, इनरिच होगी। जब आपको कहा जाएगा कि काम करने के लिए जो प्रोसेस है वो तुम्हें डिजाइन करो कि काम का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो जब प्रोसेस भी आपके जिम्मे लग गया तो आपको काम में और मजा आएगा, डिजाइन भी आपके आपसी कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जब आपसे कहा गया कि जब हम प्लानिंग करेंगे उसमें राय भी आपके लिए बगैर नहीं चलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जॉब को मजीद बेहतरी आएगी, ठीक है ना जी। और फिर उसके अलावा आपसे क्या कहा गया है कि आपको रेगुलर फीडबैक भी देंगे कि आपने कितना इंप्रूव किया है और क्या आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो मुसलसल सीनियर से इंटरेक्शन भी रहेगा फिर आपका, और अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन भी साथ साथ मिलता रहेगा, तो इस तरह जॉब आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। क्लियर बच्चों? क्या क्या कहा? पहली बात यू सी जॉब इनलार्जमेंट। अब वो थी वर्टिकल एक्सटेंशन, तो वर्टिकल एक्सटेंशन में आपने क्या किया था, ऊपर वाली जॉब के फीचर नीचे वाली जॉब में डाले। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में क्या होगा बताओ? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, तो आपके जेहन में आएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन जो है वो एक क्या चीज है कि जो पैरेलल जॉब है उसके फीचर आपकी जॉब में डाल दिए जाए, पैरेलल जॉब के फीचर आपकी जॉब में डाल दिए। तो एक बच्चे के जेहन सवाल पैदा होगा, सर इससे तो उस बेचारे का काम बढ़ जाएगा। नहीं, काम का वॉल्यूम कम कर दें लेकिन साइड वाली जॉब के फीचर उसमें डाल दें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि उसकी जॉब जो है वो एक कंप्लीट और कॉम्पैक्ट एक्टिविटी बन जाएगी, कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे स्कूल में किसी सीनियर अथॉरिटी ने आना था, तो हमने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर गमले रखने का सोचा, तो वहां माली मिले हुए थे। जाहिर सरकारी दफ्तर में ये तो सोचा ही नहीं जाता कि स्टाफ फालतू है क्या है, तो वहां चार माली थे। तो हमने एक माली की ड्यूटी लगाई कि ये काम जो है ये जिम्मेदारी दे दी गई मुझे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मॉनिटर हो तो तुम ये कराओगे। तो एक माली की जिम्मेदारी लगाई कि तुमने ना खूबसूरत से गमले ढूंढ के लाने, वो गमले लेके आ गया। एक माली की हमने जिम्मेदारी लगाई कि तुमने ना पनीरी लेके आनी, ठीक है, पनीरी समझते हैं ना, छोटे छोटे पौधे लेके आ रहे हैं तूने, स्मॉल सीड्स प्लांट्स लेके आने हैं जो हमने इस गमले में लगाने, और जो सीनियर अथॉरिटी उसके आने से कुछ महीना पहले, दो महीने पहले हमने ये बनाने शुरू कर देने, तो बाजार से बड़े गमले महंगे मिलते हैं। तो हमने कहा कि बंदे भी आए, चलो ठीक है। तो एक के जिम्मे लगाया पनीरी लगाओगे, दूसरे के जिम्मे लगाया गमले लेके आओ, तीसरे के जिम्मे लगाया कि तुम इसके अंदर मट्टी डालोगे, और चौथे के जिम्मे लगाया कि तुम इसको रोजाना पानी दिया करोगे, ठीक है जी। अच्छा, तो एक दिन ऐसा आया कि हमने जो है वो देखा कि गमले के अंदर एक बड़ा खूबसूरत फूल उगा है, तो दिल चाहा कि इनकी तारीफ की जाए कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। अब जरा सोचिए,
हमने इसकी क्या करनी चाहिए, तारीफ। क्यों तारीफ करनी चाहिए? क्योंकि गमले में बड़ा प्यारा फूल निकला हुआ था, तो हमने कहा चलो इसकी तारीफ कर देते हैं। तो हम जब उसको तारीफ करने गए तो सबसे पहले वाले को बताया जी मेरा इसमें क्या रोल है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं। आपने कहा पनीरी ले आओ, मैंने पैसे दिए और वो प्लास्टिक के छोटे छोटे थैलों में पौधे लगे हुए थे वो मैंने ला के दे दिए, मेरा तो इतना काम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। असल काम तो उनका जो गमला लाया, गमले वाले को कहता तुम पैसे देते, मैं पोते रहते थे गमले वाले कहते ले आके अंदर आ, मेरा की कमाल। मट्टी वाले से कहा जाता जी मेरा तो क्या काम ये मट्टी पाओ, तो मैं घूमी मट्टी पा जी। अच्छा अब पानी वाले से पूछा, मुझे तो छिड़काव करने की वैसे ही आदत है, ठीक है मुझे तो वैसे शौक से लोग जाए उधर कहते हैं, तो मैंने जब आपने मुझे कहा पानी लगा था मैंने पानी गमलों में लगा दिया। लो जी मेरा इसका मतलब ये सेंस ऑफ अचीवमेंट किसी में भी ना आई। सेंस ऑफ अचीवमेंट क्यों ना आई, क्योंकि आपने साइंटिफिक थॉट के लोगों के मशवरे के मुताबिक माइक्रो डिवीजन स्पेशलाइजेशन करा दी। माइक्रो डिवीजन स्पेशलाइजेशन के एक इंसान पेस मेकर के पेंच कस रहा है, सारी उम्र पेंच ही कसता रहा, उसको पता ही नहीं पेंच कितना इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो है कोई एक ट्यूब रिपेयर करता है, उसको पता ही नहीं है ट्यूब कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने छोटे लेवल में स्पेशलाइजेशन करा दी है। तो माइक्रो सब डिविजन ब्यूरोक्रेटिक या मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नाम आपने सुने हुए ना, मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिफिक थॉट के मुताबिक आपने लोगों को स्पेशलाइजेशन करवा दिया। तुम गमला लाओ स्पेशलिस्ट हो, तुम मिट्टी पाओ स्पेशलिस्ट हो, तुम पानी पाओ स्पेशलिस्ट हो, तुम पौधे लाओ स्पेशलिस्ट हो। तो वो स्पेशलाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि उनको अंदाजा ही नहीं कि वो कितना बड़ा काम कर। हमने इस तजर्बे को रिपीट किया इस तरह से कि चार वालियों को तीन तीन गमले दे दिए, इसमें मिट्टी भी डालनी है, पौधे भी लगाने हैं और पानी भी देना है। तो एक दिन आए तो एक माली डांस कर रहा था, बाकी सब देख रहे थे। हमने कहा क्या हुआ, कहता जी वो जो आपने गमला दिया था उसमें फूल उगाया। अब क्या हुआ, अब उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट आई कि जो फूल मैंने लगाया है या जो फूल उगाया है ये मेरी मेहनत का नतीजा, क्योंकि मैंने ही पौधा लाया था, मैंने ही मिट्टी डाली थी, मैंने ही पानी दिया था। इसका मतलब जब एक्टिविटी कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट होती है तो इंसान को सेटिस्फेक्शन तब मिलती है कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है। पार्शियल एक्टिविटी से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो लिहाजा उसने कहा कि तुम बेशक वर्किंग देखो ना, गमले 12 की जगह हमने 3 कर दिए, यानी काम का वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन जितना काम दिया वो पूरा पूरा दिया, ताकि उसे एहसास हो कि ये सब काम तुम अकेले ने किया है और तुम्हारी वजह से कामयाबी हासिल हुई। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, आप सारे साल में गर्मियों में इतने लीमू पी जाते हैं, लीमू पानी पी जाते हैं ना, स्कंजबीन बनाना। अच्छा किसी दिन ऐसे छोटा भाई कह रहा होगा आज मजा आ रहा है ना स्कंजबीन में, आज खुशबू ही हो रहा है, तो पूछे यार चक्कर क्या, कहते हैं ये लीमू है मेरे गमले में हुआ था। यूगे से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही। इसी तरह आपकी अम्मी है वो रोजाना खाना खाती है रूटीन में लगी, क्योंकि आज तो पुदीने की खुशबू ही हो रहा है, आज तो धनिया खुशबू ही हो रहा है, पूछेंगे क्या, कहते हैं ये जी अपने घर में वो जो गमला था उसमें लगाया था ये वाला पुदीना। तो इंसान जब खुद काम करता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन जिसको आप जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा तो जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या है, इज अटेम्प्ट टू वाइडन द जॉब बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर दिए। नतीजे के तौर पर जॉब होल्डर को इन्वॉल्व किया गया मुख्तलिफ कामों, और फिर क्या हुआ कि इस इनलार्जमेंट या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन के नतीजे में टास्क वैरायटी ज्यादा मिली, टास्क वैरायटी ज्यादा मिली। सपोज कीजिए कि सर बशर को जो उसके 8 लेक्चर इकोनॉमिक्स से पढ़ाने पड़े तो जिंदगी में उनकी एंजॉयमेंट क्या रह जाएगा, वो रात को ख्वाब में भी कह रहे होंगे वी हैव टेकन द प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसकी जिंदगी में मजा उड़ के रह जाए। लेकिन उसको जब आप मैनेजमेंट के एक दो लेक्चर दे देते हैं, कोई टैक्स के दे देते हैं, तो उस गरीब पर कर्म करते हैं ये कि चलो यार कोई और बात भी करे, कुछ और भी सोचे, तो नतीजा ये कि टास्क वैरायटी करने के चक्कर में कुछ थोड़ा जिंदगी में चेंज समझे ना, तो कुछ थोड़ा सा प्लेजर आपको जो है वो फील होता है, क्या हाल है ना जी। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक ही रूटीन एक ही टास्क से बचा जाए, क्या हाल है बच्चों। तो ये टास्क वैरायटी से इंसान की जिंदगी में क्या खत्म हो जाए, चेंज होगा, रेपिटिशन एक ही काम का चेंज हो जाएगा। तो आप जो है रद्दो बदल से अपनी लाइफ को ज्यादा इंजॉय कर सके, क्लियर बच्चों। अच्छा और ये वैसे भी देखें आप चेंज पसंद करते हैं, टास्क वैरायटी पसंद करते हैं, आप घरों में पेंट बदलते हैं, क्यों बदलते हैं,
थोड़ा रद्दो बदल, ठीक है ना, क्योंकि चेंज इज द बेटर, ताकि आप उसमें रद्दो बदल करें। अच्छा बच्चों, इसी तरह फिर आ जाती जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन तो उससे भी बड़ा चेंज है कि आपके मुतलका जॉब है, उस जॉब में से एक जॉब से आपको निकाला गया और उसको आपकी जॉब पे भेज दिया, आपको उसकी जॉब पे भेज दिया। अगर आप सेल्स में है तो सेल्स में से निकाला, परचेज में भेज दिया, भाई सेल्स अकाउंटेंट परचेज अकाउंटेंट भी तो हो सकता है, अकाउंट्स ही है ना, रूल ही है ना। और इसी तरह कभी इन्वेंटरी में भेज दिया, यानी रेलेवेंट फील्ड में। ये नहीं मैं कह रहा कि पायलट को बुला के कहीं आओ जरा आज कार्डियोलॉजी की सर्जरी करो, इंजीनियर को बुला के चलो गोडे में बैरिंग डालो, ये नहीं मैं कह रहा। या आज हम कहेंगे चलो जी जो आपका जो है इकोनॉमिक्स का टीचर उसे के चलो जहाज उड़ाओ, वो तो बेचारा पहले जहाज में फंसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जॉब रोटेशन विद इन द फील्ड, कि इससे हटके ये करो, इससे हटके ये करो, तो इससे आपकी एक लर्निंग होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने दी थी कि जब आप MBBS करते हैं तो जो आपका हाउस जॉब होता है उसमें किसी एक वार्ड में आपको नहीं मिलता काम, बल्कि आपका काम जानबूझ के रोटेट किया जाता है। कार्डियोलॉजी में भी जाए, नेफ्रोलॉजी में भी जाए, डर्मेटोलॉजी में भी जाए, पेडियाट्रिशियन में भी जाए, ताकि उसे हर सतह की अंडरस्टैंडिंग हो, और ये करते करते उसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ये काम करते करते उसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा कि मैंने सर्जरी में जाना है, कि मैंने डर्मेटोलॉजी में जाना है, कार्डियोलॉजी, जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट। और जब आप ये जॉब स्विच करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। देखिए, बड़े दिनों से आप एक डेस्क पे काम करते हैं, इस तरह विलियम बैठा है, इस तरह मैरी बैठी है, वही या 15 साल से इधर बूटा बैठा है, उधर बशीरा बैठी, तो कहने का मतलब ये है कि रूटीन में आप, तो आप जब दूसरी जॉब पे जाएंगे तो अल्टीमेटली थोड़ा सा आपको एक चेंज फील होगा। और वही जैसे मैंने अभी मिसाल दी है कि एक तो नया काम करने से आपको बेहतरी फील होगी, अपनी लाइफ में तब्दीली नजर आएगी। और अभी बात हो रही थी आप घर का पेंट बदलते, फर्नीचर की सेटिंग कभी इधर से इधर उधर से इधर करते रहते, नहीं करते रहते, इधर घर के कर्टन्स वगैरह बदलते रहते हैं। और बस लोग तो जिंदगी में चेंज के इतने आदि होते हैं कि वो अपनी बदल डालते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, अपनी गाड़ी से बदल डालते हैं यार, वही डैशबोर्ड, वही कलर, वही सारा कुछ गाड़ी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान चेंज को क्या करता है, वो लाइक करता है। अच्छा बच्चों, जी बच्चों, मैं गाड़ी की बात करूं बेटा, इसमें क्या कोई बात। अच्छा अब बच्चों बात हो रही किसकी, डेलीगेशन की। तो देखिए डेलीगेशन क्या है, ए बॉस हु वांट्स टू डेवलप इंडिविजुअल विल गिव द इंडिविजुअल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यार अच्छा ये काम ना तुम्हें डेलीगेट करते, कोई स्पेशल अथॉरिटी या कोई स्पेशल असाइनमेंट आपको दे दी गई कि ये असाइनमेंट तुमने करनी। अच्छा अब फर्क ये है कि आप कहेंगे स्कैंडमेंट में और इसमें क्या फर्क है। स्कैंडमेंट ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट से, अपने डिपार्टमेंट से निकाला है और निकालकर दूसरे काम पे भेजा है, निकाला और निकालकर दूसरे काम पे भेजा है, जाओ ये काम करूंगा। एक्चुअल वर्क उतनी देर के लिए छोड़ेगा वो, चाहे वो पार्ट टाइम है, 4 घंटे अपना काम करे, 4 टाइम छोड़ 4 घंटे छोड़ के जाए, छोड़ेगा। लेकिन डेलीगेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको स्पेशल असाइनमेंट मिला है विद योर ऑन जॉब, अपनी जॉब के अलावा। अच्छा इससे भी आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से आप बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं। लेकिन जब आपके अब्बू की शादी हुई होगी तो उन्हें सिर्फ बाहर का काम आता, लेकिन जैसे जैसे आपकी अम्मी ने उन्हें काम असाइन किया, कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनाने का, बर्तन धोने का, पर्स साफ करने का, कभी कभी छुट्टी आ जाएगी कपड़े धोने का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किल्स में इजाफा हो गया है ना। अच्छा तो ये है कि जब इजाफी वर्क मिलता है तो इंसान की लर्निंग जो है बढ़ती है। अच्छा बच्चों तो ये हो गया, इस तरह इंसान जो है और काम भी सीख लेता है। लो बच्चों जी,